नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं मंडी डबवाली के तहसील कार्यालय में हूं। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये पूरा अंत्योदय सरल केंद्र है डबवाली का, जहां पर रोजाना सैकड़ों किसान अपने कामकाज के लिए यहां पर आते हैं। लेकिन दूसरे रूप से ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा भी है, जो एक रजिस्ट्री के नाम पर किसान से खुली लूट यहाँ पर हो रही है। आप विडंबना देखिए यहाँ पर, वो भी एक धर्म के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। रजिस्ट्री होते वक्त जब आरसी के पास तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, तब उसी समय खेल शुरू होता है उस धंधे का, जो गौशाला या फिर किसी नंदीशाला के नाम पर जबरन किसान से एक पर्ची कटवाई जाती है। वो कोई 150 या अपनी श्रद्धा के मुताबिक नहीं, बल्कि आरसी साहिब के हुक्म पर चलती है। वो है 2000, 4000, 10000 या फिर 5000, बल्कि उसको कोई पर्ची नहीं दी जाती। जैसे मर्जी किसान अड़िक्के में आता है, उसको उसी रूप में फंसा कर उसको एक पुण्य के नाम पर पर्ची कटवाई जाती है, जिसका पूरा भंडाफोड़ आज किया है मिठड़ी के गुरु तेग बहादुर युवा क्लब ने। एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक लाइव किया गया, वो तस्वीर डबवाली की है, जिसमें डबवाली के तहसील कार्यालय में जो आरसी बैठे हैं, वो खुल्लम खुल्ले रूप से एक नंदीशाला के नाम पर, एक पुण्य और एक धर्म के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। और जब 1500 रुपये उनकी जेब में आकर इस क्लब ने पकड़े, तो तब उन्होंने कबूल किया कि मुझे माफ़ी दे दें, ये गलती थी या फिर ये मैंने सिर्फ नंदीशाला के नाम पे लिए। लेकिन जब उनसे पर्ची मांगी गई, तो उनके पास कोई तरीके की पर्ची नहीं थी। सामने यहीं से SDM का कार्यालय है, ना इन अधिकारियों को कोई डर है, ना किसी की ने परवाह है, बल्कि इतने लापरवाह और बेपरवाह हैं, जो जी में आए वो करते हैं, अगर गर्दन कटती है तो वो नीचे आता है किसान। मेरे साथ पूरा क्लब है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत क्रांतिकारी क्लब है, जो इस विषय को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहा है, और सीधे रूप से ये ऐसा क्लब है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट करता है, और सीधे ये फेसबुक पर लाइव कर देते हैं। यही वो शख्स थे जिन्होंने फेसबुक पर लाइव किया था, पूरा क्लब था, इन्हीं से जानते पूरा मामला क्या था। सर, क्या नाम है अपना? नमस्ते सर जी, नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, क्या पूरा वाक्य था, आपको कैसे पता लगा कि जो आरसी है वो इस एवज में पैसे खाता है, और किस तरीके से आपने पकड़ा उनको? सर, असी KCC लिमिट बना रहे हैं, लोन ले रहे हैं बैंक नो SBI पिपली ब्रांच तो, उस लिए काफी डॉक्यूमेंट लेने होंगे, 20 साल की हिस्ट्री होंगी है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। जो रेडी हो गए, सुबह से आरसी दफ्तर जाए, वो कहने तुम सू पटवारी तो रसीद लियाओ जी, तुम पराली नहीं जलाई। असं सू तो पता ही नहीं इस चीज़ का, पराली का की मामला होंगे, असं फिर नंबरदारे सैन करवाए तो ही कि इन्होंने पराली नहीं जलाई। उस तो बाद फिर असं गए उ आरसी के, आरसी ने सैन करते ही, उस तो बाद असं तहसीलदार सैन करवाए, तहसीलदार कहते नंबरदार को जो थोड़ी रजिस्ट्री हो गई मेरे को आओ। रजिस्ट्री तो तुरंत बाद असं 12:30 हो गए, एक बज गया, असं तहसीलदार दफ्तर चले गए। वो कहते थोड़ी रसीद कटा थोड़ी, अच्छा किस चीज़ की रसीद जी? नंदीशाला गौशाला की। असं आखिया जी, असं क्लब बनाया हुआ है गुरु तेग बहादुर युवा क्लब, पिछले 4 साल तो असं बंदियां दी भी ते पशुओं की भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं जी। असं 2 दीवान कैंप लवाए हैं जी, जिस 20-22 लाख का समान बंडिया गया जी, मतलब जी कन्न वाली मशीन होंगे, व्हील चेयरस होंगे जी, ट्राईसाइकिल होंगे जी। तो वो कहते नहीं रसीद कटा जी असं जी, असं क्या चलो मैं करा आंदा जी, तो जिन्नी मर्जी सोने करवा लो, मैं 100 रुपया देता उन्होंने कट के जी, मेरे इतनी जेब पैसे से एवं वह 100 की रसीद नहीं कटते, मिनीम 500 रुपया। मैं सर जी, असं 500 रुपया तो है नहीं, गरीब बंदे असं लोन तो लेना है बैंक तो ही, इन्ने पैसे आते लोन ही लेना आते। वो कहते नहीं, फिर तुम रजिस्ट्री शाम को लैजो। मैं सर जी, शाम को इतों जमामंदी नहीं मिलती, वो जमामंदी बैंक जमा होंगी है, फिर बंद लोन मिलता है। मैं मिहड़ी पिंड तो आया, दोपहर का टाइम आई, ये नंबरदार है मेरे ना 70 साल के बुढ़े है जी, मेरे तो वेट नहीं होनी। वो नहीं बेटा, शाम को आओ। असी मैं जाके सारी गल इधर क्लब के मैंबर दसी, मेरे ना जा हालात होए जी, इतने एवं गलबात हुई। असी सुबह इस मामले आए थी, तहसीलदार साहब नूं पुछांगे कि भाई तुसी की सिस्टम रसीद वाला बनाया, तुसी सरकारी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हो जी, अपने चेयर से बह के। तो जो असी सुबह इतने दफ्तर च आए आरसी दे, वो 2500 रुपये डील हो रही सी नाल सुखदेव सिंह किसान के साथ। हाँ जी, और किसान दे नाल दो बेटा सी, उहदा प्यो सी, उन्होंने 1500 रुपया देता जी। असं उस टाइम लाइव हो गई फोन से, असं फोन से लाइव हुए, असं आरसी को पूछा आ किस चीज़ के 1500 रुपये लेते हैं? आरसी कहता असं नंदीशाला गौशाला जी रसीद के पैसे लेते हैं। असं रसीद दो जी, वो कहते रसीद तो तहसीलदार को है, पहला तहसीलदार ने सैडी हुई सी इन्होंने जो नैब तहसील पहला 1500 रुपया लैन तो पहला जी, आरसी तहसीलदार रूम च गया जी, सैडिंग करके आया, 1500 रुपया ले रहा जी, फिर ऑनलाइन वीडियो के उत्ते उत्थे चले गए तहसीलदार को, ठीक है।
माफी मांगता पैसे करता गल्लां बात करी गया कहना दोनों राजकीय चलते जी हम प्रशासन मांग करी है तहसीलदार भी सस्पेंड होना चाहिए असं सा नरेंद्र मोदी साहब न खट्टर साहब न बेनती है कि इन्हों सीधा कट्टा लाओ गौशाला दिया हम कुर्सिया से बह के लोगों लुट रहे जी मास ला रहे इन्हों बहुत शौक है साड़ी यही बेनती है नरेंद्र मोदी जी खट्टर साहब नी गल सुन जो कि वह इन्हों सीधा कट्टा ला सर आपने अभी कोई एसडीएम साहब को शिकायत की है क्या बोला आपने एसडीएम साहब को एसडीएम को साहब तो सर हमने यही बोला था कि इसको दोनों को सस्पेंड किया जावे सर एसडीएम ने बोले वो अकेला भी क्लर्क ही सस्पेंड होगा उन्होंने एप्लीकेशन में लिखता और मोहर लगा दी है आगे भेज दिया गया सर हमारी दोनों से यही अपील है सर कि दोनों को सस्पेंड किया जाए सर आपने पहले भी ऐसे कभी मुद्दों को उठाया आपका क्लब इस तरीके से काम कर रहा है पहले भी किया है 3-4 साल हो गए सर पहला है जी सोशल मीडिया से भी अभी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं सर काफ़ी किन्ने बार अभी यह रौला पाया जी पर साड़ी सुनवाई नहीं हुई पहला सर आज भी आपने जब यहाँ पर आकर देखा सब कुछ क्या लगता है आपको न्याय हो पाएगा आप सर इसमें सिस्टम में सर न्याय कोई लगता नहीं भी हो जाएगा जी नहीं हो रहा जी क्योंकि सब मिले हुए हैं सर एसडीएम सारे डीसी तीन टाह सब मिले हुए हैं जी काले वाली भी यहीं रिश्वत चल रही है जी कोई दिक्कत नहीं है अड्ड कमरे के ले आ रहे हैं काले वाली भी जी क्लर्क उत्थे रुपये ले लेंगे जी रजिस्ट्री दे देंगे वैसे रजिस्ट्री नहीं मिलती जी किसी को तो सर क्या हर किसान से इसी तरीके से नंदीशाला के नाम पर जो लूट मचाई जाती है हाँ जी हाँ डब वाली तो सीट पर बैठ के ही लै रही है जी साइड से कोई जाते नहीं साइड से उसे वीडियो के खुद देखा है उसे सीट पर बैठे ही कह रहे 2500 दो 2000 दो वह किसान रो रहा जी कहना मैं 1500 दे रहा जी बल्कि उन्हें साडा कोई वास्ता नहीं सी ना पहले कोई उन्हें गल हुई सी जी कुछ नहीं हुई मौके पर हुई है जी गौशाला तो सर गाँव गाँव में हर गाँव हाँ जी हर गाँव के दिने जी कोई दिक्कत नहीं पा रहे गौशाला की पर्ची भी नहीं दे रहे सीट से सरकारी सीट पर बैठ के क्यों कट रहे पर्ची कोई कट नहीं सर अधिकारी नहीं जी इन्हों कट्ट का पर्ची कोई कॉन्टैक्ट नहीं सर कोई रसीद नहीं देंगे सानू जी अब मौके पर अभी 11:30-11 बजे का टाइम से जी एक जना लाइव होकर बाहर रुक गया जी 4-5 जने से अंदर वड़ गए जी मुंडे मैं एकदम अंदर वड़ गया जी मुड़ के लाइव होया बैठा से उदो मौके पर फड़ा जी पैसे लैंदा उन्होंने 2500 च डील पहला फाइनल होंगी सी फिर 1500 से आ गई जी आपने को डीसी साहब को भी कंप्लेंट किया सर हाँ जी सुबह जाना जी आज नहीं आज मिले नहीं सर तो आप क्या इस लड़ाई को जारी रखेंगे सर हाँ जी सर अगर इतने ना हलो सीएम तो चलेंगे जी चंडीगढ़ जावे जी ठीक है तो आपको लगता है कोई बाहर भी ऐसा बोर्ड लगना चाहिए जिसमें एक्चुअल किसान को पता लगे कि रजिस्ट्री कराने के लिए जब वो आता है उसको कहाँ कहाँ कितनी फीस देनी लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं करना नहीं ये कोई बोर्ड नहीं लगे ये विजिलेंस का नंबर भी होना लिखना जरूरी है जी अगर किसान आम को पता लग सके भी रिश्वत लै रहे कादी रिश्वत लै रही है जी क्यों लै रहे आम पब्लिक को तो पता ही नहीं सर इसकी भी रिश्वत 2500 रुपया कादी लै रही है जी वो कहते सू तो कहते रजिस्ट्री का लै रहे हैं जी अभी रजिस्ट्री इतने कहते लै रहे हैं जी वो कहते रजिस्ट्री दे लाई है जी उन्होंने फिर आख्या रिश्वत लै रहे हैं जी हाँ जी हाँ नायब तहसीलदार सर आपको क्या लगता है आपका क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है सर हम अप्रिशिएट करते हैं क्या लगता है इसके ऊपर कैसे शिकंजा कसा जा सकता है किसान को जागरूक होना ये जी गवर्नमेंट ही कसे जी सानू तो खाई जाते हैं जी कोई सुनाई नहीं तड़के रहे फिरदे कम छड्डी 2000 मंगते 2500 मंगते 1500 सानू आए पता नहीं कादे लेंदे जे पुछदे कारे गौशाला गऊं मंगा असं पिंड फेरियां पाली जन्ने साड़ियां खेती खाई जाती है गऊ भी तुम तो मेहर करो कुछ कोई 100-150 रुपये ले लो नहीं जब गौशाला कर थोड़ा धन्यवाद करते हैं ऊँ वढ़ी जाते लोगों को कोई साड़ी सुनाई नहीं हूँ एह जी साहब को इस बार दोनों सस्पेंड करा सब तो ज़्यादा साडा पिंड गौशाला की सब तो ज़्यादा वो करता है मदद करता है सर 4-5 ट्राले तूड़ी दे भेजते हैं सर असी नाले कि भी कोई अंग टुट जाता है तुरंत नंदीशाला जाते काले वाली फोन करते हैं असं वो बेचारे लैके जाते हैं ना उन्हें चुकवाने गड्डी के उठवा के नाल जाने पूरी सहायता करते हैं सर लोडबंदी के पैसा भी दिता जाता उन्होंने पर इतने नंदीशाला के नाते सरेआम लुट हो रही है सर असं यही कहने भी दोनों तहसीलदार भी नाल रलिया हुआ जी दोनों सस्पेंड किया जाए साडा तो यही जोर है ऐसा है मेरे से कार्रवाई की मांग किसी ने नहीं की मैं मीटिंग में गया हुआ था सीएम साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया मेरे स्टाफ द्वारा सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और ये सारसी कोई हरदीप नाम का क्या है उसने किसी से ये पैसे लिए और उन्होंने उसको वापस भी दे दिए तो जब मुझे पता लगा मैंने कहा वो लोग कौन थे उनको बुलाओ मैंने उनको स्वयं बुलाया है उनसे रिटर्न में लिया है और इधर से नायब तहसीलदार ने मुझे रिटर्न में लिख के दिया है एक भाई इस आदमी ने ऐसे ऐसे इन लोगों से पैसे लिए ये मेरे पास आए तो मैंने उसको उस रजिस्ट्रेशन आरसी को जो तहसील में कार्यरत है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश डीसी साहब को की है और डीसी साहब को मैं फ़ोन पर भी बताऊँगा सर आरोप ये है कि एक नंदीशाला के चंदे के नाम पर एक रसीद काटने के नाम पर वहाँ पर बहुत बड़ी एवज में वहाँ पर जो मोटे पैसे लिए जाते किसानों से तो क्या सर इसके ऊपर भी अंकुश लगेगा कि कम से कम आरसी ऐसा है ये मेरी नॉलेज में ही आ जाए
मुझे नहीं पता था कोई गौशाला के नाम पे ये पैसे ले रहा है, क्योंकि मैंने अभी जुमे इलेक्शन से पहले ज्वाइन किया था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इलेक्शन कराया, क्योंकि रूटीन में काम अब आया है, मेरी नॉलेज में जो भी आएगा इस तरह का कोई भी कार्य मुझे मिला तो मैं उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी से मेरे सब डिवीज़न में काम कराने की कोशिश करूँगा। लोग आकर के मिले थे भाई ऐसे ऐसे जो है ना, एक नंदीशाला की रसीद का काटने के लिए बोल रहा है, वो नंदीशाला की मतलब रसीद के एवज में उसने पैसे लिए हैं और नंदीशाला की रसीद उसने मतलब काटी है। तभी मैंने उसको बुलाया, हरदीप सिंह को बुलाया मैंने, मैं बता भाई, बोला जी हाँ जी नंदीशाला के पैसे इनसे लिए हैं, अगर इनके राजी नहीं है तो इनको मदद दे देता हूँ वापस। तो वो पैसे उनको वो पकड़ा दिए, रसीद भी मतलब कट कट चुकी है, रसीद भी कट चुकी है। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि ये कुबाना ठीक है बाना सर, नंदीशाला वाला कोई ऐसा नंदीशाला तो हमारे ऐसे यदि एसडीएम साहब ने कुछ हमारी है ना मीटिंग बुलाई थी बेनीवाल साहब ने, ओके जी, तो नंदीशाला की सहायता के लिए कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, नंदीशाला की जो कमेटी उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने भी कहा था भी आप भी सहयोग करो, तो हमने भी कल कुछ कलेक्शन करके मतलब दी भी है नंदीशाला में, थोड़ी भी कितना कलेक्शन दे दिया सर आपने, लगभग 50-60 हज़ार रुपये हमने दिया है। डेली कितनी मतलब हो जाती है, कोई रसीद है सर आपके पास, उसमें कुछ सीरियल नंबर भी लिखा है, बिल्कुल पक्की बिल्कुल रसीद बुक है जी, वो रसीद कराते हैं हम प्रधान से या उप प्रधान से, जो भी अमाउंट तो धड़ल्ले से हमारे पास इतने फोन आ रहे हैं कि कोई 15,000 लिया, किसी से 10,000 लिया है, नहीं ऐसा ऐसा कुछ हमारे पास ऐसी लोग ऐसा कोई लेकर के शिकायत नहीं आया। आज ये पहली बंदे हमारे पास आए थे ये, अब जिसके तो उसके खिलाफ भी हमने लिख के भेज दिया। क्यों नहीं बेटर है कि वो रसीद आप अपने पास रखो, आप पे एलिगेशन भी लगेगा, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक बात है, बिल्कुल 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 यहीं रखा जाएगा, बिल्कुल यहीं रखा। सर उस पे कोई कार्रवाई के लिए लिखा है उसके, बिल्कुल लिख दिया जी, एसएसडीएम साहब को लिख दिया, उच्च अधिकारी को लिख दिया गया कि इसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ का कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नहीं कटे, अगर कोई मतलब अपनी मर्जी से कटवाता है तो हम धक्का किसी से वो नहीं करते, हम किसी को दबाव नहीं डालते कि आप रसीद कटाओ, लेकिन सर वहाँ तो एक पैरामीटर बना रखा है कि मिनिमम 500 से शुरू होगी पर्ची। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर नहीं कटाता तो हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं।